जानने के बाद तारा को समझ आ गया कि अनन्या को इसे देखकर कुछ खास खुशी क्यों नहीं हुई। तभी अनन्या बोली, वैसे आई हो तो आज रुकोगी या अभी थोड़ी देर में लौट जाओगी? रितु हैरान होते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो अनन्या, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो आज के आज लौट जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। मैं अभी लंबे टाइम तक यहाँ रहूंगी, या शायद जब तक तुम लोग हो तब तक मैं अब यहीं रहूंगी। वैसे भी मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर अपने लोग भी हों और जगह भी घूमने लायक हो। और गांव से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है घूमने लायक? वैसे भी ये मेरी बुआ का घर है तो मुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है? क्यों, बुआ से याद आया, बुआ नजर नहीं आ रही? विकी ने कहा, हाँ वो माँ आज थोड़ा सा अपने खेतों की तरफ निकली है उन्हें देखने के लिए, बस आ ही रही होगी, काफी सुबह निकली थी तो किसी भी वक्त पहुंच जाएंगी। तुम एक काम करो ना, तब तक तुम इतनी दूर से आई हो तो पहले फ्रेश होकर कुछ खा लो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। रितु ने कहा, परफेक्ट, तो मेरा रूम कौन सा है? विकी ने कहा, वैसे तो ऊपर के सारे रूम खाली हैं, अगर तुम्हें सेपरेट रूम चाहिए तो तुम्हें ऊपर अकेले रहना होगा, वरना यहाँ नीचे दो रूम है उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एक में लेडीज एक में हम। रितु ने ध्रुव को प्यार से देखते हुए कहा, तो फिर मैं ऊपर अकेले रहकर क्या करूंगी, मैं नीचे ही रहूंगी, आखिर जब मन चाहा तुम लोगों के रूम में भी आ सकती हूँ। रितु को अपनी तरफ ऐसे देखते पाकर ध्रुव थोड़ा सा अनीजी हो गया और बोला, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, बाद में आता हूँ। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया और रितु के होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अनन्या चिढ़कर रितु को देखकर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रितु भी उधर फ्रेश होने के लिए चली गई जिधर विकी ने बताया था। उन सबके जाने के बाद विकी ठहाके लगाकर हंसता हुआ बोला, अब मजा आएगा। तारा ने कहा, तुम अजीब हो, तुम्हारी बहन तुम्हारे दोस्त पर लाइन मार रही है जिससे तुम्हारी एक दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हें मजा आ रहा है। तब विकी ने कहा, अरे ये सब नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ सीरियस है नहीं, तुम भी इन सब चीजों को सीरियस मत लो, अब देखना अनन्या क्या क्या करती है। अभी तक वो जितनी समझदार बन रही थी ना, वो सारी समझदारी अब हवा हो जाएगी। रितु अनन्या और तारा के कमरे में ही अपने सामान को सेट कर रही थी, जहाँ तारा उसे हेल्प करा रही थी, वहीं अनन्या मुंह बनाकर साइड में बैठी हुई थी। तभी विकी ने आकर कहा, रितु माँ आ गई है, आ जाओ मिल लो। इतना सुनते ही रितु अपना काम छोड़कर तुरंत बाहर गई और अपनी बुआ को गले लगाती हुई बोली, कहाँ थी आप, मैं कब से आ गई हूँ और आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन विकी की माँ ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे उसे जानती नहीं हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराती रही क्योंकि वहाँ पर सबको देखकर उन्हें लग रहा था कि ये कोई जानी पहचानी सी है। विकी ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ क्या हुआ, मुझे लगता है आप भी शॉक्ड हो गई हैं। इसे यहाँ देखकर मैं भी हैरान रह गया था, ऐसे बिना बताए आ गई है, पता नहीं मामा मामी को भी पता है या नहीं कि ये यहाँ पर है। रितु तूने बताया तो है ना उन्हें? रितु ने कहा, हाँ हाँ ऑफकोर्स मैं बताकर आई हूँ कि मैं बुआ से मिलने जा रही हूँ। जहाँ सबको ये एक नॉर्मल मीटिंग लग रही थी, वहीं पर ध्रुव की नजर एक टक विकी की माँ पर टिकी हुई थी, जैसे वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट कर रहा हो। तभी रितु ने कहा, अच्छा हुआ मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मैं सोच कर आई थी कि मैं सबसे पहले आपके हाथ का बना हुआ अपना फेवरेट ही खाना खाऊंगी, तो आप बनाएंगी ना मेरे लिए? विकी की माँ ने कहा, हाँ मैं बनाऊंगी ना, क्या बनाऊ, क्या खाओगी तुम? रितु हंसते हुए बोली, आपकी ना बहुत मजाकिया हो गई है यहाँ पर इन लोगों के साथ रहते हुए, आपको नहीं पता कि मुझे क्या खाना होता है, अब चलिए जल्दी से बना कर ला दीजिए प्लीज, मेरी अच्छी बुआ मुझे बहुत भूख लगी है। विकी की माँ बोली, हाँ तुम बैठो, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारा पसंदीदा खाना बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली गई, लेकिन बार बार पीछे पलट कर भी देख रही थी। किचन में जाकर वो पूरे किचन का एक चक्कर लगाती हुई बोली, क्या मुसीबत है, क्या बनाऊं मैं? वो इस बात से अनजान थी कि किसी की नजर लगातार उन्हीं पर बनी हुई थी, ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। तभी ध्रुव की आवाज आई, वैसे रितु एक बात नहीं समझ में आई, तुमने अपना फेवरेट खाना बनाने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन ये भी तो सोचो कि राजमा चावल बनाने के लिए राजमा का भीगना जरूरी है, इतनी जल्दी राजमा चावल कैसे बनेगा, कुछ और खा लो, बाद में राजमा चावल खा लेना, आंटी को कितनी परेशानी होगी ये तो सोचो। ध्रुव की आवाज विकी की माँ के कान में पहुंच चुकी थी और उनके चेहरे पर राहत नजर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी राजमा ढूंढने लगी, लेकिन तभी रितु ने कहा, और तुमसे किसने कहा कि मेरा फेवरेट फूड राजमा चावल है, बल्कि राजमा चावल तो मुझे पसंद ही नहीं है, सो बैड, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हें मेरा फेवरेट फूड तक नहीं पता, मुझे आलू की सब्जी और पराठे पसंद है। ध्रुव ने कहा, ओ अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें राजमा चावल पसंद है, माफ करना, वो क्या है ना आंटी, राजमा चावल इतना अच्छा बनाती है कि किसी का भी फेवरेट हो जाए। उस दिन रितु लगभग पूरे दिन विकी की माँ के इर्द गिर्द रही और वो सारी चीजें उनसे कहती रही जो बचपन से वो अपनी बुआ के साथ करती आई थी,
और हर बार विकी की माँ कहीं ना कहीं नर्वस नजर आती थी। उस रात जब सब गहरी नींद में सोए हुए थे तब रितु ने अपना मोबाइल निकाला और एक बार श्योर करने के बाद कि तारा, अनन्या और विकी की माँ सब गहरी नींद में सो रहे हैं, उसने किसी को कॉल किया और आहिस्ता से बोली, यहाँ सब सो रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ, मैं भी बाहर आ रही हूँ। उसके बाद वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन अनन्या जो अब तक जाग रही थी करवटें बदल रही थी। वो रितु की बातें सुनकर बेचैन हो गई। वो उठकर बैठ गई और बोली, एक तो उसकी वजह से मैं पहले ही नहीं सो पा रही थी और अभी इतनी रात में किसे कॉल करके मिलने जा रही है, कहीं ये ध्रुव से मिलने के लिए तो नहीं जा रही है। लेकिन भला ध्रुव इतनी रात में बाहर अकेले में इससे क्यों मिलना चाहेगा? नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे देखना तो पड़ेगा ही। इतना सोचकर अनन्या जल्दी से उठी। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी कि उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने देखा विकी के कमरे का दरवाजा भी आहिस्ता से खुला और कमरे से ध्रुव निकला, वो भी दबे पांव गेट से बाहर निकल गया। ये देखकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो हैरानी से बोली, ध्रुव, मतलब मेरा शक सही था, लेकिन ध्रुव भला इससे मिलने घर के बाहर क्यों जा रहा है, वो भी इतनी रात को? नहीं नहीं, मेरा ध्रुव मेरे साथ तो कम से कम चीटिंग नहीं कर सकता, इस मामले में तो मैं श्योर हूँ, मुझे उस पर विश्वास है, लेकिन और क्या वजह हो सकती है? इतना सोचते हुए अनन्या भी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और गेट के बाहर आई। बाहर उसने देखा ध्रुव का हाथ रितु के कंधे पर था और वो उसे समझाते हुए कुछ कह रहा था। अनन्या का मन हुआ कि वो इसी वक्त उन दोनों के सामने जाए और पूछे कि चल क्या रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले जान तो लूं कि आखिर ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। अनन्या पूरा ध्यान लगाकर उन लोगों की बात सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लोग इतनी आहिस्ता से बात कर रहे थे कि इतनी दूरी पर अनन्या कुछ सुनी नहीं पा रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी अनन्या अपने कान आगे करके बार बार कन्फर्म होने की कोशिश कर रही थी। तभी वो दरवाजे से जोर से टकराई और दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। इस आवाज पर ध्रुव और रितु दोनों ही चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगे। रितु बोली, ध्रुव, कोई हमारी बातें सुन रहा था। ध्रुव ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देखता हूँ। इससे पहले कि ध्रुव आता, अनन्या फुर्ती से वापस अपने कमरे में जाकर चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव को भनक भी लगे कि अनन्या ने उन लोगों को साथ में देखा है। ध्रुव जब दरवाजे के पास आकर देख कर गया तो उसे तसल्ली हो गई कि यहाँ कोई नहीं था। ध्रुव ने कहा, शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया हो, मैंने दरवाजा अच्छी तरीके से बाहर से बंद कर दिया है। रितु ने कहा, मैं चलती हूँ, हमारा इस तरह से यहाँ ज्यादा देर बात करना ठीक नहीं होगा, अगर वाकई में किसी ने हमें यहाँ देखा होगा तो बेमतलब बात का बतंगड़ बनेगा, हम कल बात करते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं दूर, घर के आसपास बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ध्रुव ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गए। लेकिन अनन्या की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। वो बार बार करवट लेती और उसकी नजर रितु पर पड़ती तो उसका दिल करता कि बस उसका गला दबा दे, लेकिन फिर वो अपने आप को ये सोचकर शांत रखती कि इसमें अकेले इसकी क्या गलती है, जाहिर बात है ध्रुव की तरफ से भी कुछ होगा, तभी तो वो इतनी रात में इससे मिलने के लिए गया था। अनन्या की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अपने मन में बोली, मैंने ध्रुव के बारे में क्या सोचा था पर वो क्या निकला, मुझे नहीं लगा था कि ध्रुव कभी मेरे साथ इस तरह का धोखा कर सकता है, लेकिन अभी मैं इन लोगों में से किसी को कुछ नहीं कहूंगी जब तक मैं इन दोनों को रंगे हाथों नहीं पकड़ती। उसके बाद मैं ध्रुव से अपने सवालों के जवाब लूंगी, क्योंकि मैं उसे मुझे गलत ठहराने का कोई मौका नहीं दूंगी। अनन्या रात भर नहीं सोई थी, इसलिए सुबह से ही उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। वो अपनी आंखें बंद कर लेटने की कोशिश कर रही थी पर वो आंखें बंद कर लेट नहीं पा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और आसपास काले घेरे बने हुए थे, जो इस बात के गवाह थे कि वो या तो रात भर रोई है या इतनी परेशान रही है कि उसकी आंखें इतनी थकी हुई हैं। अनन्या ने जब देखा कि रितु कमरे से बाहर निकल रही है तो थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आई, ये देखने के लिए कि रितु है कहाँ। लेकिन रितु उसे घर में कहीं नजर नहीं आई, बल्कि ध्रुव भी घर में कहीं नहीं था। अनन्या ने पूछा, विकी, ध्रुव इतनी सुबह कहाँ गया है? विकी ने कहा, वो तो अपने ध्यान के लिए गया है, क्यों, क्या हो गया? अनन्या ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं, और रितु नहीं दिख रही, वो कहाँ है? विकी बोला, उसे मॉर्निंग वॉक की आदत है ना, तो ध्रुव ने उसे कहा कि वो साथ ही चले, ध्रुव अपना मेडिटेशन कर लेगा और वो अपना वॉक कंप्लीट कर लेगी। तभी उन्होंने देखा छलावा बाहर से भीतर की तरफ आ रहा था। विकी बोला, तू कहाँ से आ रहा है, रात में तो तू हमारे साथ ही था, सुबह जब से उठा हूँ तब से तू कमरे में नजर नहीं आ रहा है। छलावा ने तुरंत कहा, हाँ वो मैं सुबह जल्दी उठकर अपने घर गया था, कुछ काम था मुझे वहाँ, इसलिए। विकी ने सवालिया नजरों से छलावा को देखते हुए कहा, और उम्मीद है तेरा काम हो गया होगा। छलावा ने भी उसी तरीके से कहा, हाँ काम हो गया, कम से कम आज का तो हो गया है। अनन्या को उन दोनों की बात ना तो समझ में आ रही थी ना वो समझना चाहती थी, क्योंकि उसका ध्यान लगातार रितु और ध्रुव पर ही अटका हुआ था।